hello dear students very warm welcome to all of you yes our brainstorming integrated conceptual platform of the anatomy yes right now we are going to discuss about our palette class palette is important why due to the our cleft palate yes as you all know there is our one surgical condition cleft lip and the cleft palate so these situations are very common एंड ऑल्सो यू विल स्टडी इन योर सर्जरी आप ऐसे कई सारे केसेस देखेंगे जिसमें पैलेट सेपरेट होता है जिसके कारण पेशेंट जब खाना खाता है तो नाक से होकर के बाहर आ जाता है और फूड पार्टिकल रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाने के कारण रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की चोकिंग होने के कारण डेथ भी पॉसिबल है और इसके साथ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी आप देखेंगे सो दैट सिचुएशन इज आवर क्लेफ्ट पैलेट यस और इन सारी सिचुएशन के कारण ये पैलेट जो है टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है सो कैन यू सी द डिफरेंट इमेजेस दिस क्लेफ्ट पैलेट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप सिचुएशन ओके सो यू कैन ऑब्जर्व दीज डिफरेंट काइंड ऑफ द सिचुएशंस इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग देखते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट करते हुए हम पहले टॉपिक लर्न करने जा रहे हैं एंड यस इट इज वेरी लॉन्ग टॉपिक इसका एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन भी हम uh, लर्न करने की कोशिश करेंगे बट वी विल डू इन अवर सेपरेट सेगमेंट ओके यू कैन सी ये नोज है ये माउथ है और यहां पर प्रॉपर डेवलपमेंट फेस का नहीं हुआ जो हम एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ द फेस सो यू कैन सी देर इज द पार्टीशन यस बिटवीन द नोज एंड द ओरल कैविटी नाक और मुंह के बीच में जो पार्टीशन होता है वो नहीं है गेटिंग द पॉइंट इस कारण पेशेंट जो भी खाना खाएगा वो नेजल कैविटी से बाहर आ सकता है नेजल कैविटी से कम्युनिकेट कर इसलिए रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है सो दिस इज अवर नेशनल मेडिकल कमीशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन पार्ट सो वी आर गोइंग टू लुक दिस ऑल द पॉइंट स्टेप बाई स्टेप फाइन यस सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास सो माई तरफ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा एमबीबीएसमी एसोसिएट प्रोफेसर एट एनाटमी डिपार्टमेंट यस वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस पैलेट टॉपिक वन बाई वन एंड वी आर गोइंग टू टेक द प्रॉपर रेफरेंस फ्रॉम द अवर ग्रेज एनाटमी ऑल्सो प्लीज काइंडली ओपन योर टेक्स्ट बुक दैट इज पेज नंबर टू फाइव टू कभी भी बेटा आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज देख रहे हैं तो उसे कैसे पढ़ना है यू हैव टू ओपन द ऐप इन फ्रंट इसके बाद आपका टेक्स्ट बुक रखा होना चाहिए क्योंकि हम प्रॉपर पेज वाइज चलते हैं लाइन वाइज चलते हैं बुक से दोस्ती करनी बहुत जरूरी है जितना ज्यादा आप बुक पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज गेन होगा और याद रखेंगे पढ़ी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती कब कौन सी चीज कैसे काम आए वो हम नहीं कह सकते सर्जरी में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ई में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा गेटिंग द पॉइंट ओके और हम प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे और लास्ट में इसको क्लिनिकली इंटीग्रेट भी करेंगे ओके सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस अवर पैलेट पार्ट फाइन तो ये पैलेट होता क्या है सबसे पहले हम पैलेट को समझते हैं सी हियर यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम यहां पर आप टीथ देख रहे हैं डेफिनेटली सर तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं दिस इज आवर ओरल कैविटी ग्रेज एनाटमी एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज आवर नोज इजी कर रहे हैं डायग्राम को यस सर दिस इज आवर नोज फाइन सो हियर इज आवर नेजल

उसे हाईलाइट करना है हाउ कैन यू डिफाइन आराम से यू कैन रिमेंबर पार्टीशन बिटवीन यस किसके बीच का पार्टीशन रिमेंबर इट इज पार्टीशन बिटवीन नेजल कैविटी एंड अवर ओरल कैविटी तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच का जो पार्टीशन है दैट इज अवर पैलेट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ईजियर वे डायगेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं बेटा नोट्स बनाते हुए चलेंगे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है सामने में आपका मोबाइल ऐप फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक ओपन होनी चाहिए फिर कॉपी पेन और जो जो मैं लिखते चल रहा हूँ आप भी लिखते हुए चलिए समझते चलिए शॉर्ट एंड स्वीट बढ़िया नोट्स तैयार कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम तक आप इसे इतने बार रिवाइज कर चुके हैं कि आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे फाइन एक बार नोट्स बन जाए फिर न तो वीडियो देखना है और न तो बुक देखना है आपको अपने नोट्स को बार बार फॉलो करना है यस yes, आप अपने बुक से और भी एडिशनल चीजें निकाल सकते हैं और इस नोट्स में एड कर सकते हैं बट दीज आर द बेसिक प्लेटफॉर्म एंड वेरी ग्लैड एंड हम्बली वेरी वेरी प्राउड ऑल्सो कि लास्ट ईयर में पूरे इंडिया से और आउटसाइड इंडिया से बच्चे जुड़े उनके मार्क्स 80 परसेंट से ज़्यादा है 75 फाइव परसेंट से ज़्यादा है इन नोट्स और वीडियोज़ के कारण ओके ऑल एकरॉस द इंडिया मोर than हंड्रेड स्टूडेंट्स दे गॉट द गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट ऑफ द merit distinction. सो यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट ओके तो जस्ट आप बढ़िया सा बनाइए आराम से समझिए और फिर बार बार नोट्स को रिवाइज करते चलिए. जस्ट so here डायग्राम कैसे बनाना है see here हम फेस का डायग्राम बनाने जा रहे हैं See दिस इज अवर फोर हेड एलिवेशन फिर डिप्रेशन बनाइए एंड देन देर इज द नोज फिर उसके बाद अपर लिप बनाओ बेटा और फिर उसके बाद लोअर लिप ड्रॉ द डायग्राम क्योंकि डायग्राम से मार्क्स आपको मिलते हैं गेटिंग द पॉइंट बहुत ईजी है चार पांच बार प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा और बार बार फेस वाले पार्ट में आपको ये बनाना ही पड़ेगा एंड देन यू कैन मेक द चिन फाइन अब इसके बाद बेटा आप नेक बनाइए तो जब ट्राइंगल ऑफ द नेक बनाएंगे तो फिर से ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फाइन सो दिस इज जस्ट प्रेजेंटेशन और अगर आपको डायग्राम को ब्यूटीफुल बनाना है तो आप, आप आईब्रोज बना दीजिए विदाउट डायग्राम मार्क्स आर नॉट पॉसिबल एंड यू कैन ड्रॉ द आई ऑल्सो

लेबलिंग नॉमन क्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इस नेजल कैविटी और टंग मीन्स यू कैन से ओरल कैविटी इनके बीच में आपको पार्टीशन देखने के लिए मिलता है फाइन सो वी कैन मेक द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देर इज अ पार्टीशन बिटवीन द आवर नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी यस दिस पार्टीशन इज आवर पैलेट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आगे वाला जो पार्ट है पैलेट का वो बोन का बना हुआ होता है इसलिए आप इसको कहेंगे हार्ड पैलेट लेकिन पीछे वाला जो पार्ट होता है दैट इज मेड बाय द मसल्स यस सर सो यू विल केट यू विल से द सॉफ्ट पैलेट जो नीचे की तरफ लटकता रहता है हैंग करता है फाइन सो यू कैन इजीली गेट द पॉइंट दिस एंटीरियर पार्ट इज आवर बोनी इन नेचर हार्ड होता है दैट्स अ हार्ड पैलेट पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट होता है दैट्स अ सॉफ्ट पैलेट वॉट यू विल से यस हियर इज आवर ओरल कैविटी सो द पार्टीशन बिटवीन द अवर नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी, दैट इज पैलेट टंग को ऊपर ले जाइए और ओरल कैविटी के ऊपर टच कीजिए जो भी आपको हार्ड सी चीज फील हो रही है दैट इज द पैलेट आगे की तरफ बोनी है और अगर टंग को पीछे ले जाएंगे टू स्टडी दी इन यूर ओन बॉडी पीछे की तरफ ले जाइए सॉफ्ट साइड स्ट्रक्चर फील हो रहा है दिस एंटीरियर टू थर्ड पार्ट लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक में आजकल इसे एंटी फोर फिफ्थ भी कहा जा रहा है मैं फाइन दैट इज हार्ड इन नेचर Okay, that's why it is known as our simply hard palate. While this another part, posterior part, it is made by the muscle. So this is our posterior one third part. But few textbook they are also saying this one as one fifth. It is soft in nature because made by the muscles. That's why it is known as our soft palate. आराम से धीरे धीरे सो नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर पैलेट सिंपल गेटिंग द पॉइंट सो यू कैन इजिली प्रेजेंट दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत आसान है आराम से धीरे धीरे बेसिक से हम चालू कर रहे हैं ओके सर सो देर आर द टू पार्ट ऑफ द पैलेट हार्ड पैलेट एंड आवर सॉफ्ट पैलेट गेटिंग द पॉइंट ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर मोर डिफरेंट पॉइंट ओके थ्योरी में आपको इसको लिखना पड़ेगा सो यू कैन रिमेंबर पार्ट्स ऑफ पैलेट कोई भी चीज लिख रहे हैं तो फ्लो चार्ट बनाते हुए डेफिनेटली टू पार्ट फ्लोचार्ट बनाइए ओके पहला हार्ड पैलेट दूसरा सॉफ्ट पैलेट यू कैन से दिस हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट यस हार्ड पैलेट इज एंटीरियर टू थर्ड सॉफ्ट पैलेट इज पोस्टीरियर वन थर्ड हार्ड पैलेट इट इज़ हार्ड व्हाई बिकॉज इट इज मेड बाय बोन्स ओनली सो इट इज हार्ड सॉफ्ट पैलेट बिकॉज इट इज़ मेड बाय ऑनली द मसल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सॉफ्ट पैलेट में कितने मसल होते हैं फाइव मसल्स दैट्स वाई इट इज सॉफ्ट इन नेचर गेटिंग द पॉइंट एक एक करके सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हार्ड पैलेट सो गिव द प्रॉपर हेडिंग नोट्स बनाने में तो टाइम लगता है लेकिन एक बार नोट्स बन जाए तो वो एग्जाम टाइम में बहुत काम आता है बहुत तेजी से रिविजन होता है गेटिंग द पॉइंट सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अवर हार्ड पैलेट फाइन और इसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी करेंगे सो फॉलो द नोट्स सी हियर इसके दो पार्ट होते हैं फिर से ओके हार्ड पैलेट की हम बात कर रहे हैं सो हार्ड पैलेट इट इज फॉर्म्ड बाय ये कैसे बनता है अगेन इट इज़ हैविंग अवर टू डिफरेंट पार्ट इसके दो पार्ट हैं यस काइंडली फॉलो द टेक्स्ट बुक साथ में हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग भी कर रहे हैं हमने हार्ड पैलेट को स्टार्ट किया यस इट इज द पार्टीशन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटी इसके दो पार्ट हैं एंट्री टू थर्ड और पोस्टर वन थर्ड कैचिंग द पॉइंट तो एंट्री टू थर्ड जो है वो हमारे मैग्जिला से बन रहा है ट्राइयर सीयर ये आपका पैलेट है तो ये मैगजिला बोन है तो मैग्जिला बोन जो है इसका एंट्री टू थर्ड पार्ट और इसके साथ में पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस आवर थ्री डायमेंशनल एनाटॉमी पार्ट फाइन सो हियर इज आवर स्कल ओके सर वेयर इज अवर पैलेट आप देख रहे हैं दिस इज आवर मैंडिबल तो एक काम करते हैं मैंडिबल को रिमूव कर देते हैं यस सर हियर इज द हायर्ड बोन सिंगल बोन विच इज नॉट आर्टिकुलेटिंग विद अदर बोन एमसीक्यू अब आप इसको नीचे से ऑब्जर्व कीजिए दिस इज दवर पैलेट ओके सर सो वी आर लुकिंग फॉर दिस आवर पैलेट फाइन तो अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सीयर द अवर डिफरेंट टीथ आर अरेंज दिस पार्ट इज आवर हार्ड पैलेट कैन यू ऑब्जर्व येयर ये किनारे में जो बोन है वो कौन सी बोन है डेफिनेटली मैग्जिला यस आर यू गेटिंग द पॉइंट यहां पर मैगजिला है तो मैग्जिला से दो प्रोसेस बनते हैं जो दोनों तरफ डेवलप होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में हम डिटेल में देखेंगे सो दिस इज नोन एज पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ वॉट मैग्जिला ये क्या चीज है दिस इज पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला गेटिंग द पॉइंट दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है सी हियर कैन यू ऑब्जर्व दिस पार्ट यस यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्री टू थर्ड जो है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला और पीछे वाला पार्ट जो है वो पैलेटाइन बोन से आ रहा है लेकिन वो हॉरिजॉन्टली डेवलप करता है एम्ब्रियोलॉजी में हम डिटेल में देखेंगे बट राइट नाउ सी हियर आई एम टेलिंग यू दिस ऑल द पॉइंट्स इन द द्री डायमेंशनल वे सो जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड दिस पी डी एफ विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू इन फॉर्म ऑफ द ए नोट्स सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द थ्री डायमेंशनल orientation see here yes ye total bone dikh raha hai that's what definitely it is the word osteology part bony part to aap yahan par dekh rahe hain our hard palate which is having एंट्री टू थर्ड part okay sir और ये जो है आपका posterior वन थर्ड part है यस सर दीज आर अवर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वॉट हार्ड पैलेट तो हार्ड पैलेट के भी दो पार्ट वन एंड टू यस सी हीयर दिस इज अप्रॉक्सीमेटली टू थर्ड आराम से धीरे धीरे बेटर नॉलेज बनाने में टाइम लगता है लेकिन एक बार ये हो जाए तो फिर आपको रिविजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ओके एंड हीयर यू कैन ऑब्जर्व पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट गेटिंग द पॉइंट ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्री टू थर्ड पार्ट यह कैसे बना द एंट्री टू थर्ड पार्ट इज फॉर्म बाय द अवर विच बोन मैग्जिला क्योंकि हमारे टीथ किसमें लगे हुए हैं मैग्जिला में सो इट इज फॉर्म बाय फॉर्म बायस इट इज फॉर्म बाय द अवर रिमेंबर पैलेट आइन प्रोसेस क्योंकि मैग्जिला का वो पार्ट जो पैलेट बनाएगा इसलिए क्या नाम रखेंगे आप येस इट इज फॉर्म बाय द मैग्जिला के लिए इट इज फॉर्म बाय द मैग्जिला लेकिन इसका पूरा नाम क्या है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला गेटिंग द पॉइंट पोस्टिव वन थर्ड की बात करेंगे तो ये पैलेटाइन बोन से बनता है पीछे की तरफ कौन सा बोन है पैलेटाइन बोन और इसके हॉरिज़ॉन्टल प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी पार्ट में हम और डिटेल में देखेंगे

गेटिंग द पॉइंट अब इन्हीं चीजों को आप अपने टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं गेटिंग द पॉइंट ओके सो वी हैड कंप्लीटेड दिस ऑल द पॉइंट यस पोस्टिव थर्ड हॉरिजोटल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन अब यहां पर हम देख रहे हैं इसके मार्जिन और सरफेस सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर हमारा हार्ड पैलेट है तो हार्ड पैलेट का कौन कौन सा सरफेस होगा एक ऊपर वाला एक नीचे वाला सुपीरियर सरफेस इन्फीरियर सरफेस बेटर सुपीरियर सरफेस को हम नेजल सरफेस भी कह सकते हैं और इन्फीरियर सरफेस ओरल कैविटी की तरफ है इसलिए इसे हम ओरल सरफेस भी कह सकते हैं गेटिंग द पॉइंट अब ये जो हार्ड पैलेट है उसका आगे वाला मार्जिन रहेगा और लैटरल साइड का मार्जिन रहेगा ट्राई टू अंडरस्टैंड हार्ड पैलेट फील इट इसका एंट्री मार्जिन और लैटरल मार्जिन और पीछे की तरफ कौन सा मार्जिन आप बोलेंगे अवर पोस्टे मार्जिन दैट्स वाई इन योर टेक्स्ट बुक जस्ट मार्क दिस लाइन्स यस एंट्रोलैटरल मार्जिन पोस्टीरियर मार्जिन और आप देख रहे हैं सुपीरियर सर्फेस एंड इनफीरियर सर्फेस तो आप इन चीजों को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं अगेन ट्राई टू लर्न यस हियर यू कैन सी द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हाउ कैन यू ड्रॉ द डायग्राम ट्राई टू अंडरस्टैंड सी हियर सपोज दिस इज अवर पैलेट बेटा डायग्राम बनाना है आपको यस सर दिस इज आवर पैलेट फाइन नाउ यू कैन ऑब्जर्व यहां पर बेटा आपको टूथ का अटैचमेंट दिखेगा सो यू कैन सी अवर इन साइजर टीथ फोर इन साइजर टीथ एंड देन यू विल बी एबल टू सी द कैनाइन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके सर एंड देन अदर बोन्स आर ऑल्सो अटैच हियर डायग्रामिक प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू ओके वी आर नॉट द पेंटर इसलिए बहुत सुंदर डायग्राम बने ऐसा नहीं लेकिन साफ सुथरा और प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम बने इसका हमें ख्याल रखना है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जब हम पैलेट को ऑब्जर्व करते हैं सो कैन यू सी दिस इज अवर इन साइजर टीथ इसके ठीक पीछे में आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हमारे इंसाइजर टीथ के ठीक पीछे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रियोलॉजी सो दिस इज अवर फोसा एक डिप्रेशन दिखाई देगा और एक छेद रहेगा जो हमारे ओरल कैविटी से खुल करके नाक में जाएगा सो यू विल सी दर इंसिजिव फोसा विद द फोरामैन डायगेमेटिक प्रेजेंटेशन सो वॉट यू मेक द लेबलिंग हियर दिस इज अवर इंसिजिव फोरामैन गेटिंग द पॉइंट ओके आगे हम समझते हैं हार्ड पैलेट की बात करते हैं सो हियर देर इज द अवर सूचर ओके सूचरल ज्वाइंट यस राइट और लेफ्ट साइड से दो बोन आए और बीच में फ्यूज हो गए and it is continuing up to the posterior side so it is our part which is divided into the anterior two third and posterior one third diagrammatic presentation or jab aap piche ki taraf dekhenge then you will be able to observe yes there will be the our palatine bone jiska pyramid ki tarah process nazar aayega और नाक के पीछे में आपको एक बोनी प्रोसेस नजर आएगा जिसको हम posterior nasal spine कहेंगे So you can make the diagrammatic presentation in this way. इनके अपने आप में क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होते हैं फाइन अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड यस दिस बोनी प्लेट इज अवर हॉरिजोंटल प्लेट ये हार्ड पैलेट का पार्ट है जो हॉरिजोंटल प्लेट ऑफ मैग्जिला से बना फाइन सर दिस इज द अवर पोस्टिव वन थर्ड पार्ट विच इज फॉर्म बाय कैसे बना you can say it is formed by the our yes palatine bone okay yes this is our actually palatine process of the maxilla better to say palatine process of the maxilla please improve this one and this is our हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ व्हाट यू कैन से पैलेटाइन बोन एक और दो अब आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम क्या नाम देंगे सी हियर दिस पर्टिकुलर फ्यूचर विच इज इन बिटवीन द अवर टू पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला ओके इसका हम क्या नाम देंगे दिस विल बी नोन एज अवर इंटर मीन इन बिटवीन दो मैग्जिला बोन के बीच में दैट्स इंटर यू विल से गेटिंग द पॉइंट और इसका हम क्या नाम देंगे दिस लाइन दिस सूचर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द अवर टू पैलेटाइन बोन्स इसलिए सिंपल है इसका नाम हो जाएगा हमारा इंटर पैलेटाइन सूचर यहां से एमसीक्यू आते हैं एंड यू कैन सी वन मोर पार्टीशन कैन यू ऑब्जर्व एक और पार्टीशन है विच इज इन बिटवीन अवर यस आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर दिस इज अवर एक्चुअली द मैग्जीला बोन ओके सर एंड यू कैन ऑब्जर्व

और मैग्जिला के बीच में डेट्स अ पैलेटो मैग्जिलरी सूचर गेटिंग द पॉइंट सो इट इज अवर पैलेटो मैग्जिलरी सूचर फाइन तो इस तरीके से एक दो तीन सूचर आपको यहां पर नजर आते हैं और ये सारी टर्मिनोलॉजी आपके लिए सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है जब आप क्लैफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी करेंगे ओके? Okay? So, so, सो कुछ एमसीक्यू सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज हैपनिंग सी आप पीछे की तरफ नजर डालेंगे तो आप यहां पर देखेंगे दिस पोस्टर बोनी पोर्शन दैट इज नोन एज अवर पिरामिडल प्रोसेस ये पिरामिड की तरह है दैट्स वाई वी विल से पिरामिडल प्रोसेस ऑफ वॉट डेफिनेटली ये पैलेटाइन बोन का पार्ट है दैट्स वाई पिरामिडल प्रोसेस ऑफ द पैलेटाइन बोन गेटिंग द पॉइंट जब आप इसमें नज़र डालेंगे तो आपको इसमें फोरामैन नजर आएगा सो यू विल ऑब्जर्व आवर टू फोरामैन एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा ओके okay? एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा

जिसे ग्रेटर पैलेटाइन नर्व जाएगी ऑल्सो यू विल सी अवर लेजर पैलेटाइन फोरामिन जिससे लेजर पैलेटाइन नर्व पास होती है फाइन और आप यहां पर पीछे की तरफ एक कांटे की तरफ प्रोसेस देख रहे हैं ये हमारे यस yes, नाक की पीछे बोनी प्रोसेस होता है दैट्स सॉ इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर नेजल स्पाइन अगेन

जो भी डाउट होगा हम क्लास के आखिरी में डिस्कस करेंगे बट आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन यस बोलो बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सेल्फ ये आपका क्या है यस इंटर वेरी गुड इंटर वेरी गुड वेरी गुड बेटा इंटर ये क्या है बेटा आपका पैलेटाइन बोन तो इसका नाम क्या देना चाहिए बोलो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड और बेटा इसका नाम क्या होगा दिस इज मैग्जिला बोन दिस इज द पैलेटाइन बोन तो इसको क्या बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड अनिका जाजीब यू ऑल आर देयर ओके यस यहां पर बेटा हमारे पी पटना से भी स्टूडेंट है और हमारे पानीपत से भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं ओके सो एक लाइव क्लास की तरह से एंजॉय करनी लास्ट ईयर लगभग 200 बच्चे लाइव क्लास में आया करते थे उस समय रिकॉर्डेड वीडियोस के स्टेशन नहीं हुआ करते थे बट राइट नाउ वी आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ द रिकॉर्डेड वीडियो सो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट दे आर चूजिंग द रिकॉर्डेड वीडियो क्योंकि इसमें आप कभी भी किसी भी तरीके से अपने कॉलेज टाइम के अकॉर्डिंग अपने चॉइस को ऑप्ट कर सकते हैं लेकिन लाइव क्लास में जो मजा आता था वो रिकॉर्डेड में नहीं रहता ओके आई एम ट्राइंग फॉर द लाइव क्लासेज ऑल्सो फॉर दैट वी नीड मिनिमम फिफ्टी स्टूडेंट्स सो होप सो फॉर द अवर लाइव क्लासेस ऑल्सो ओके तो बेटा अब समझो ये आपका नाक है आराम से हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है ये देखो

और अगर आप ज़्यादा इसको इनलार्ज करेंगे आई एम हाइडिंग दिस वर्ल्टिब्रा ये वर्टिब्रा है ओके okay? इसको हमने गायब कर दिया ये वोल्टिब्रा है इसको हमने गायब कर दिया तो अगर आप यहाँ से झांक रहे हैं फिर से ये स्कल दिख रहा है इन करो आप सोचो कि स्कल आपके हाथ में है तो बेटा ये आपका एक ओपनिंग दिख रहा है जो आगे की तरफ खुल रहा है क्या नहीं सी यस इट इज़ ओपनिंग ऑन द फ्रंट फिर से ये देखो बेटा दिस इज़ एंट्री साइड पीछे की तरफ खुल रहा है तो इस ओपनिंग का क्या नाम दोगे ये कुछ और नहीं है यहीं पर नाक ओपन होता है दिस इज अवर पोस्टीरियर नेजल एपर्चर बनेगा ऑस्टियोलॉजी में पूछेंगे आपसे सो दिस इज अवर ओपनिंग ऑफ द नोज ऑन द बैक साइड क्या नाम होगा इसका बोलो फिर से साथ में बोलो पोस्टीरियर नेजल वेरी गुड एपर्चर बस अब वायवा में पूछ देते हैं अगर ये पोस्टीरियर नेजल एपर्चर है तो बेटा आपको यहां पर एक कांटे जैसा प्रोसेस फिर से दिख रहा है yes, yes, yes. Here, बेटा. इसका क्या नाम दोगे पीछे हैं। इसलिए? Posterior. Posterior. Yes, yes. है इस तरीके से फिर आपको मजा आता है और यहां पर इसमें आपकी क्लास नहीं बैठी हुई है बेटा इस प्लेटफॉर्म में पूरे इंडिया के बच्चे बैठे हुए हैं ओके और एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी चीज़ है लास्ट ईयर एफएमसी पुणे की टॉपर भी हमारे साथ थी एस कटक के भी टॉपर थे डेली के भी टॉपर थे इवन साउथ स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विथ अस सभी के भी जो बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन चलता था एंड अगेन एंड अगेन आई एम वेरी वेरी प्राउड फॉर माई लास्ट ईयर स्टूडेंट्स दे गॉड द वेरी एक्सलेंट मार्क्स ओके तो बेटा आराम से ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ना है हड़बड़ी नहीं करनी फिर बाद में नोट्स को आपको रिवाइज करना है ओके okay? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या सीयर और क्योंकि आप पार्टिसिपेट करें आपको कुछ और भी चीजें बता रहा हूं जो मैंने सोचा नहीं था कि इस क्लास मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये ये कुछ और नहीं ये क्या है आपका पैलेटाइन बोन ओके तो ये आपके हुक लाइक -like स्ट्रक्चर बनाता है आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा देयर इज मसल यस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टेंशन ओवर द पैलेट ये पैलेट में टेंशन क्रिएट करता है जिसको हम टेंसर पैलेटिनी मसल कहते हैं वो मसल आती है इस पैलेटाइन हुक हुक में हुक करते हुए फिर यहां पर इंसर्ट होती है मसल आएगी इंसर्ट होगी ऐसा तो जब आपको पैलेट की सर्जरी करनी रहती तो इस पैलेटाइन क्रेस्ट को इस पैलेटाइन को ब्रेक करना होता है जिससे टेंसर पैलेटिनी मसल रिलैक्स होती है जब टेंसर पैलेटिन मसल रिलैक्स होती है, तो पैलेट जो दूर दूर गए हैं वो पास पास आते हैं और फिर आप उसमें सूचर कर सकते हैं ये अभी आपके लेवल से आगे की चीज है लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन अवर यस, नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग आपको इसके बारे में पता होना चाहिए जो आगे मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा अवर टेंसर पैलेटिनी मसल इज मेकिंग एंड इंसर्टेड इन द पैलेट तो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के लिए आपको इस हुक को तोड़ना जरूरी है ओके सो डेफिनेटली दिस इज आर पोस्टिजल स्पाइन ओके फाइन नाउ अगेन यू कैन मेंशन दैट ऑल द पॉइंट्स हियर यस सर सो नाउ आई एम टेलिंग यू द एम सी क्यू फ्रॉम दर नीट नेक्स्ट एग्जाम ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर बेटा आपके नर्व निकलते हैं सी हियर यस सर ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन यहां से नर्व निकलेगा ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके okay, सर एक नर्व आपको दिख रही है अब ये नर्व आगे रन करती है आगे रन करती है कैन यू सी और ये हमारे नेजो पैलेटाइन फोरामेन में चली जाती है नेजो पैलेटाइन फोसा में चली गई और यहां से जाकर के फिर ये ऊपर निकलेगी और फिर ये नाक की तरफ चली जाती है पैलेट के किनारे किनारे रन की यहाँ गई फिर ये नाक में चली गई गेटिंग द पॉइंट अब हमारे ओरल कैविटी से नाक में एक नर्व गई तो नाक बोलता है कि तेरे पास से एक नर्व मेरे पास आई मैं भी एक नर्व दूंगा तो नाक से एक नर्व जाती है इसी फोराम से नीचे आकर के फिर पैलेट में एंटर करती है सो वन अनादर नर्व इज गोइंग इन दिस वे तो यहां से बेटा एमसीक्यू आते हैं मैं डायरेक्शन को शो करने के लिए आपको एरो सही शो कर रहा हूं अगेन वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू बेटा सीयर दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ द नर्व येलो कलर फेंट हो जाता है इसलिए इसमें आप ब्लैक पेंसिल एक बार रन कर देना फाइन वॉट इज द नेम ऑफ द डिफरेंट नाउस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन ये आपके एमसीक्यू एग्जाम के क्वेश्चन है सीयर दिस पर्टिकुलर नर्व जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरा मेन से आ रहा है इसका क्या नाम होना चाहिए दिस इज अवर ग्रेटर पैलेटाइन नर्व बहुत इंपॉर्टेंट दिस इज अवर ग्रेटर पैलेटाइन नर्व गेटिंग द पॉइंट और दूसरी चीज अगली नर्व नाक से पैलेट में आ रही है कोई बता सकता है इस नर्व का क्या नाम होना चाहिए जो नाक से पैलेट में आ रही नाक से आ रही इसलिए बेटा नेजो नाक है और इससे पैलेट में आ रही है क्वेश्चन yes, तो आपका आया हुआ है कि विच नोस आर पासिंग थ्रू द अवर यस फोरामेन सो रिमेंबर दिस टू नोस आर पासिंग थ्रू द अवर इनसीज फोरामेन दिस इज अवर नीट नेक्स्ट एम्स पैटर्न क्वेश्चन और कभी भी अगर मान लो नीट नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन हम देखेंगे तो हम ब्लू कलर कोडिंग यूज कर रहे हैं तो आप एक कलर यूज़ कीजिए अपने टेक्स्ट बुक में अपने नोट्स में कि हाँ भाई ये मार्क दिखा मतलब वो आपका एम सी क्यू एग्जाम है फाइन सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स ओके अब हम आगे देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में हार्ड पैरेट के पार्ट्स दिखाए गए हैं येस ओके फाइन यस सर नाउ वी आर गेटिंग द पॉइंट सी वी हैड डिस्क्राइब दिस ऑल द पॉइंट्स थोड़ा सा ग्रेज एन आटमी की तरफ भी चलते हैं कौन कहता है कि ग्रेज एन आटमी डिफिकल्ट है हमको पढ़ना ही नहीं है ग्रेज एन आटमी हमको क्या करना है एटलीस्ट उसकी इमेजेस को हम समझने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है कि नीट नेक्स्ट एग्जाम में आपकी इमेजेस आ जाते हैं और वो पूछेगा आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर विच नर्व इज पासिंग थ्रू यर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं नीट नेक्स्ट एम्स पैटर्न डरना नहीं वही चीजें हैं जो आपने लर्न की है फाइन येस आपको ईजी करने के लिए मैं बी डी चौरसिया सर की किताब की बुक भी यस यू कैन अ पेस्ट आराम से बेटा कोई हड़बड़ी नहीं है ठीक है धीरे धीरे नॉलेज लर्निंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है और एक बार हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते फिर उसके बाद स्पीड आती है याद रखिए जब हम चलना सीखे थे तो उस समय हम कई बार गिरे थे वो हमें याद नहीं है ठीक है लेकिन लाखों बार गिरने के बाद करोड़ों बार गिरने के बाद हम चलना सीख पाते हैं और इतने अच्छे से चलना सीख पाते हैं कि फिर उसके बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं हम गाना सुनते हुए चल रहे हैं हम इधर देखते हुए चल रहे उधर देखते हुए चल रहे हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना पड़ता इसी तरीके से आपके रिफ्लेक्स डेवलप होते हैं जब आप कोई चीज धीरे धीरे करते हैं सो दिस इज द योर डायग्नोटिक प्रेजेंटेशन आई डिस्क्राइब लेकिन अब आपको ग्रेज एनाटमी में नीट नेक्स्ट के एग्जाम में आंसर करना है सो कैन यू टेल मी वॉट इज द नेम ऑफ दिस फोराम आइडेंटिफाई द ए यस 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 क्वेश्चन आएगा बेटा वेरी गुड बेटा यही तो है यही तो है आपका नीट नेक्स्ट एम्स एग्जाम इडेंटिफाई द बी ग्रेटर पैलेटाइन फोरामैन यस और बेटा इसको पहचान सकते हो देखो छोटे छोटे दो दिख रहे हैं दो तीन yes. देखो बेटा आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है लेजर पैलेटाइन फोरामेन एक भी हो सकता है कभी दो भी हो सकते हैं कभी कभी तीन भी हो सकते हैं लेजर पैलेटाइन नॉट दिस ऑल आर पासिंग ओके सो दिस इज दी ओके तो बेटा ए क्या है आपका ने यस इनसीज दिस इज अवर इंसिजिव फोरामैन क्या पास होता है यू नो ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड नेजो पैलेटाइन नर्व एम सी क्यू इमेज बेस्ड प्रिपरेशन और यहां पर आप देख रहे हैं अवर ग्रेटर पैलेटाइन फोरामैन एंड हीयर इज अवर लेजर पैलेटाइन फोरामैन जिससे ग्रेटर और लेजर पैलेटाइन नर्व पास होते हैं फाइन ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड लेजर पैलेटाइन नव दिज ऑल आर पासिंग ओके सर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड चलो जल्दी से मुझको इसका आंसर दे दो ये क्या है ये क्या है और ये क्या है तीन सूचर हैं दिज आर द क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ द सूचर्स सो यू कैन से सी हियर ये दो मैग्जिला है यस दिस इज द मैग्जिला Here is the maxilla. तो क्या कहेंगे इसको बेटा? Yes, enter. Very good. Enter maxillary suture. आराम से. And this is our palatine bone. Here is our palatine bone. तो इसका नाम क्या बोलोगे बेटा? Enter. Very good. Very good. Very good. So here we are getting the answers from the our panipat haryana students. We are getting answer from the our patna bihar students. Okay? Okay? सो वन बाई वन बेटा इसी ग्रुप को हमको बढ़ाना है और लाइव क्लास की हमको बहुत बहुत मजा आता है और धीरे धीरे फिर स्पीड बढ़ती है और इतने रिफ्लेक्सेस निकलते हैं कि लिटरली लिटरली यू ऑल विल गेट इंजॉयमेंट ओके यस नाउ सी हियर दिस इज अवर मैग्जिला बोन एंड हियर इज द पैलेटाइन बोन तो दोनों के बीच में जो आपको सूचर दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे यस वेरी गुड बेटा पैलेटो मैग्जीलरी सूचर अब हम इस लायक हो पाते हैं कि सर्जरी की बुक्स को हम समझें अच्छा पैलेटो मैग्जिलरी सर याद नहीं होता मेरे से तो एग्जाम में मैग्जिलो पैलेटाइन सूचर निकल गया कोई गलत नहीं है सही है भाई इसका नाम क्या मैग्जिलो पैलेटाइन सूचर नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है ओके लेकिन टेक्स्ट बुक में परंपरा चली आ रही है ट्रेडिशन चला आ रहा है कि पहले हम किसका नाम ले रहे हैं पैलेटाइन फिर मैगजिला तो अगर आपसे मैग्जिलो पैलेटाइन भी निकल जाए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो बेटा गड़बड़ियां होती है डोंट वरी आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है फिर इसको ई में पढ़ेंगे सर्जरी पढ़ेंगे ऑटोमेटिक फाइनल ईयर तक जाते जाते आप मैक्सिलरी ही कहेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा सो डोंट वरी फॉर दैट ऑल ओके तो आपने बेटा एम्स लेवल की चीजों को भी यहां पर सॉल्व किया हियर विल बी अवर यस पोस्टीरियर नेजल स्पाइन कई सारे स्कल में ये ब्रेक हो जाता है एंड दीज आर अवर यस पोस्टीरियर नेजल यस एपर्चर बोलेंगे बेटा है ना एपर्चर हम बोलेंगे और बिल्कुल बेटा इस प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है गलतियां करना है ये मैं पिछले साल भी बच्चों को बोला करता था बिल्कुल बेटा यहां पर अगर आपसे मिस्टेक होता मिस्टेक करो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिस्टेक करें लेकिन हम इतने बार रिविजन करेंगे कि मेन एग्जाम में फिर हमसे मिस्टेक नहीं होगा ओके फाइन तो आपने एम्स लेवल की चीज़ों को सॉल्व किया डेवरिक इमेजेस आपने देखे आपने नेक्स्ट लेवल की चीजों को सॉल्व किया यस दिस इज अवर स्किल दिस इज अवर ऑस्ट्रियोलॉजी कैडेवरिक इमेज क्वेश्चंस आपने किए ओके नाउ अब बेटा टेक्स्ट बुक की चीजों को ही हम लेते हुए चल रहे बेटा आराम से पढ़ रहे हैं बहुत टाइम लग रहा है आपको लग रहा है अरे यार बहुत टाइम लग रहा है लेकिन मैं फिर से आपको बोलूंगा कि बाद में आपको ना तो वीडियो देखना है ना तो बुक ओपन करना है सिर्फ इस नोट को आपको पढ़ना है अब बेटा आप यहां पर देख रहे हो किसके इसके पार्ट्स बताएं इन्हीं चीजों को मैं आपको ईजी करके फ्लो चार्ट वे में दे रहा हूं आदमी की जो मेमोरी होती है हम आपकी फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो विजुअल मेमोरी को ज्यादा सपोर्ट करती है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा सी हियर हम क्या कह सकते हैं कि हार्ड पैलेट इसकी एनाटमी हम देख रहे हैं इसका एक्सटर्नल फीचर हम देख रहे हैं यस सर तो विज़ुअल मेमोरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं फ्लो चार्ट ड्रॉ कर देते हैं ओके सर आराम से तो बेटा टेक्स्ट बुक की चीज़ों को ही हम इजी करके लर्न कर रहे हैं फाइन सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हार्ड पैलेट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट तो बेटा फ्लो चार्ट बनाओ ऐसा यस yes? और जबकि आप बाद में पढ़ोगे तो मुझसे भी अच्छे नोट्स बना सकते हो इसी में ही आपको चीजों को ऐड करना है ओके सर हार्ड पैलेट इट्स एनाटमी ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द एनाटमी वी आर टॉकिंग अबाउट द अवर एक्सटर्नल फीचर फाइन तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें बेटा दो मार्जिन आपको दिखेंगे यस yes, सर इसमें आपको दो सरफेस नजर आएंगे फाइन सर बेटा दो मार्जिन कौन कौन से हैं एक आप कहेंगे एंटीरियर और लैटरल मार्जिन ओके तो इसे हम नाम देंगे एंटरो लेटरल लैटरल मार्जिन फील करो अपने बॉडी में छुओ हार्ड पैलेट एंटीरियर लेटरल मार्जिन ओके सर एक दूसरा बेटा पीछे की तरफ है जो हम छू नहीं सकते तो इसे हम क्या कहेंगे दैट इज अवर पोस्टीरियर मार्जिन गेटिंग द पॉइंट अब आप खुद देखिए यस सर इन अवर एंट्रोलैटरल मार्जिन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अवर एंटीरियर एंड लेटरल मार्जिन क्या है यहां पर रिलेशन सर मसूड़े हैं और गम्स हैं सो वॉट यू विल राइट डाउन हियर इज द लोकेशन ऑफ द गम्स ओके फाइन अब अगर इसी की आप पोस्टरी मार्जिन की बात करेंगे बेटा ये पोस्टरी मार्जिन है यहां कुछ दिख रहा है क्या नहीं लेकिन यहां पर मसल्स अटैच होते हैं जो सॉफ्ट नेचर के नहीं दिख रहा है बेटा क्योंकि कैडेवर है उसका डिकम्पोजिशन हो गया यहां पर आपका सॉफ्ट पैलेट होगा सो वॉट यू हैव टू रिमेंबर यस, यू कैन फॉलो द इमेज फ्रॉम द आवर टेक्स्ट बुक दिस इज आवर एंट्रोलेटरल मार्जिन दिस इज आवर पोस्टिव मार्जिन फाइन सर सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंट्रोलेटरल मार्जिन देयर इज सिचुएशन ऑफ आवर गम्स ओके सर और यहां पर छोटे छोटे गैप्स होते हैं कैविटीज होते हैं जिसमें टूथ अटैच होते हैं दैट आर नोन एज अवर एलव्यूलर सॉकेट ओके सो यू कैन से एलवलर आर्च और सॉकेट कहने का मतलब टीथ जिसमें फिट होता है ओके okay? मार्जिन की आप बात करते हैं तो बेटा पोस्टरी मार्जिन में क्या मिलता है डेफिनेटली देर इज सॉफ्ट पैलेट बुक में भी यही चीजें हैं लेकिन फ्लोचार्ट में आप इजिली याद कर सकते हैं नाउ सी हियर सरफेस की बात करते हैं सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेसेस तो आप बता सकते हैं हार्ड पैलेट ऊपर क्या है सुपीरियर सरफेस नीचे क्या है इंफीरियर सर्फेस ऊपर की तरफ सुपीरियर सर्फेस क्या है नाक है तो आप कहेंगे नाक की कैविटी नेजल कैविटी नीचे की तरफ मुंह है सो वॉट यू विल से दैट इज अवर सिंपली ओरल कैविटी सो सिंपल खत्म हुई कहानी अब इसके बाद हम हार्ड पैलेट की आर्टरी सप्लाई अब बेटा इसके लिए मुझे आपको फेस की आर्टरी सप्लाई एक्स्ट्रा कैरोड आर्टरी समझानी पड़ेगी बट जस्ट आई एम टेलिंग यू द कॉमन सेंस सी हियर आर्टरी कौन सी आर्टरी है जो हार्ड पैलेट को सप्लाई करेगी तो मैं आपको मैग्जलरी आर्टरी की सिक्सटीन ब्रांचेस याद करवाऊंगा ट्रिक के साथ निमोनिक के साथ तीन पार्ट होते हैं और थ्री डायमेंशनल एनाटमी भी हम लेते हुए चलेंगे ओके सो दैट इज सेपरेट क्लास जस्ट आई एम टेलिंग यू

ये मैग्जिला की तरफ रन करी दिस इज द मैग्जिलरी आर्टरी इसके तीन पार्ट हम देखेंगे पहला पार्ट जो कि मैंडिबल के ऊपर रन करेगा मैंडिबुलर पार्ट दूसरा पार्ट जो टेरेग्वाइड मसल के ऊपर पार्ट रन करेगा टेरेग्वाइड पार्ट और तीसरा पार्ट जो कि हमारे टेरेगो पैलेटाइन ठोसा के अंदर जाएगा दैट विल बी अवर थर्ड पार्ट टेरेगो पैलेटाइन पार्ट और इसके टोटल सिक्सटीन ब्रांचेस हैं जो आपके स्पेसीमेन वायवो में पूछे जाते हैं इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बाद में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे ट्रिक भी देखेंगे वो एक अलग क्लास है ओके ऑल इंडिया में ओके okay, इसका हम एक ट्रिक देखेंगे ऑल इंडिया में तो एंट्री टिम्पेनिक आर्टरी इंफीरियर अवर एलोलर आर्टरी दिस ऑल द थिंग्स है ना तो हम एक ट्रिक देखेंगे है ना दादी और मैं दनादन बम फोड़े क्यों क्योंकि ऑल इंडिया में पिग पास हो गया एक फनी ट्रिक देखेंगे पिग पास सो थर्ड पार्ट की जो ब्रांचेस होती है पिग पास करके ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है पिग पास सो आर्टरी सप्लाई ऑफ दिस अवर पैलेट रिमेंबर मैग्जिलरी आर्टरी उसकी एक ब्रांच है जो पैलेट की तरफ रन करेगी दैट इज अवर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ मैग्जिलरी आर्टरी थर्ड पार्ट ऑफ मैग्जिलरी आर्टरी गेटिंग द पॉइंट ओके थर्ड पार्ट ऑफ मैग्जिलरी आर्टरी इसकी ब्रांचेस हम याद करेंगे पिग पास तो यहां पर जी से आपका जो आर्टरी है दैट इज नथिंग दैट इज अवर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी वी विल सी पोस्टिपी आर्टरी वी विल सी अवर अदर ब्रांच इंफ्रा ऑरबाइटल आर्टरी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी यस वी विल सी टेरीवाइड ब्रांच आर्टरी टू द अवर यस स्पिन यू विल सी देर इज अवर टेरीवाइड कैनाल आर्टरी टू द टेरीवाइड कैनाल जिसको हम विडियंस आर्टरी भी कहते हैं एंड एस फॉर फिनो पैलेट एंड आर्टी ऑफ इपिश टैक्सिस पीछे में टेरिगोड मसल होते तो उसके चारों और ब्लड वेसल्स का बंच होता है दैट इज अवर टेरिगोडे हम फेशियल वेनस ड्रेनेज में भी लर्न कर चुके हैं इसकी एक सेपरेट क्लास है सीयर नर्व सप्लाई की अगर हम बात करेंगे सो इन दैट सिचुएशन क्योंकि ये मैग्जिला वाला पार्ट है तो याद रखेंगे फेस का अगर हम बात करें तो फेस का बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी नर्व होती है ट्राइज नर्व यहाँ पर बोन्स हैं, तो बेटा बोन में मोटर एक्टिविटी नहीं है तो मोटर नर्व नहीं कौन सा नर्व है सेंसरी नर्व विच इज देंसरी नर्व ट्राइजेमानर्व यू ऑल नो द ट्राइजेमानर्व इज हैविंग द थ्री ब्रांचेस वी वन वी टू वी थ्री ओके और V1 जो है ऑप्थेलमिक रीजन में होता है V1, V2, V3? इट इज सप्लाइड बाय दी टू ब्रांच मैग्जिलरी नर्व मैग्लरी नर्व के भी कई सारे ब्रांचेस यस दिस मैग्जिलरी नर्व इज गिविंग डिफरेंट ब्रांचेस पैलेट को सप्लाई कर रहा है कौन सा नर्व दिखा हिल्टन आपको हमारी क्लास पहला क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास आपको याद है यस yes, जो नदी जहां रहती है जहां बहती है उस एरिया को सप्लाई करती है तो यहां पर कौन सी नदी बह रही है आपने अभी डायग्राम में देखा क्या सीर बेटा यस यू ऑल आर ऑब्जर्व कौन सी नदी बह रही है ग्रेटर पैलेटाइन नर्व इट इज द ब्रांच ऑफ द मैगजिलरी नर्व सो यू विल से विच नर्व इज सप्लाइंग आंसर इज ग्रेटर पैलेटाइन तो कम से कम इसका नाम आप याद रखिए ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और दूसरी नर्व जो नाक से पैलेट में आई तो इसलिए आप याद रख सकते हैं यस अवर नेजो पैलेटाइन नर्व तो यही तो हमारे हार्ड पैलेट की नर्व सप्लाई हुई गेटिंग द पॉइंट आगे हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज यस तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की भी एक अलग सेपरेट क्लास होती है विच आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइन तो आप कभी भी एग्जाम में लिख रहे हैं तो इनको हेडिंग वाइज शो कीजिए आर्टरी आपने देखा वेन आपने देखा नर्व सप्लाई आपने देखा एंड हियर इज अवर लिम्फेटिक ड्रेनेज गेटिंग द पॉइंट सो वॉट शुड बी द लिम्फेटिक ड्रेनेज सी हियर अगर कोई चीज याद नहीं आ रही है फेरिंग्स की लैरिंग्स की तो याद रखिए गले के अंदर में कुछ लिम्फ नोट के ग्रुप हैं दे आर सर्वाइकल लिम्फनोड ओके सर क्योंकि ये पैलेट फेरिंग्स लैरिंग्स अंदर की चीजें हैं तो आप क्या कहेंगे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड सो वॉट यू विल से यस दिस इज आवर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड हर जगह आपको यही लिखना है हेड नेक फेस पार्ट में जो अंदर है जो नहीं दिख रहे हैं उसमें फाइन अब ये ऊपर में है कि नीचे में है डेफिनेटली दिस पैलेट नोज फेरिंग्स दिस और आर अपर साइड तो आपको अगर और याद आ गया तो आप अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड मेंशन कर सकते हैं नहीं याद आता तो भी चलेगा क्योंकि इसी ओरल कैविटी के पीछे फेरिंग्स है फेरिंग्स की अलग से हम क्लास लेंगे तो फेरिंग्स के पीछे भी लिम्फ नोड का ग्रुप है इसलिए आप क्या टर्म यूज करेंगे रेट्रो हमेशा याद रखेंगे रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड रिट्रोमेंडिगुलर वेन आप देखेंगे रेट्रो रिट्रोल्टीफॉर्म न्यूक्लियस आप देखेंगे कहीं पर भी रेट्रो आया रेट्रो का मतलब होता है पीछे ओके तो पीछे की तरफ फेरिंग्स में लिम्फ नोड का ग्रुप है दैट्स वाई विल से लिम्फ नोड पॉइंट सो दीज आर points about अबाउट hard पैलेट क्लिनिकल ये हम आगे आने वाले क्लासेस में और डिस्क्राइब करेंगे आपको क्या याद रखना है यस yes. अगर मान लो हियर हमने देखा ये पैलेट है यहां पर आपके सूचर्स हैं लेकिन okay? अगर इसमें फ्यूजन ना हो एब नॉर्मल डेवलपमेंट डेवलपमेंट एब नॉर्मल हो तब बेटा उस समय क्या होगा यस सी हियर आर नॉट गेटिंग यस पैलेटाइन बोन्स दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग फ्यूज ओके तो आपको यहां पर एक बड़ी सी ओपनिंग नजर आएगी आर यू गेटिंग द पॉइंट यस सी हियर ऑल द बोन्स आर प्रॉपरली फ्यूज टुगेदर हेल्प ऑफ द फ्यूचर्स कैटिंग द पॉइंट एवरीबडी ओके सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर लेकिन ये बोन आपस में फ्यूज नहीं हुए तो बेटा ये ओपनिंग क्रिएट हो गई ओके येस यस बेटा आप बात कर रहे हो मेरे से जब भी आप क्लास में बैठे हो येस सर मैं समझ रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा ऑनलाइन क्लास का बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या है मुझे पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ मैं तो कैमरे को पढ़ा रहा हूँ और बेटा आपको भी पता नहीं कि आप किससे पढ़ रहे हो आप तो मोबाइल से पढ़ रहे हो मुझे ये सोचना है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लासरूम में आप बैठे हैं उसी तरीके से बेटा आपको यह फील करना कि आप क्लासरूम में बैठे हो और सामने में मैं हूं तो जब भी मैं बोल रहा हूं यस सर आंसर करो म्यूट करके करो या फिर अनम्यूट करके करो लेकिन आप आंसर करो और गलतियां करो लेकिन बोलना है ठीक है तो बेटा आप यहां पर देख रहे हो देर इज द नॉन ूजन ऑफ अवर डिफरेंट सूचर्स इसलिए ओपनिंग क्रिएट हो गई इसलिए दरार पड़ गया दरार को बेटा हम क्या बोलेंगे क्लैफ्ट सो देर इज अवर यस क्लैफ्ट पैलेट गेटिंग द पॉइंट तो इस तरीके से बेटा आपका क्या चीज क्रिएट हो जा रहा है यू आर ऑब्जर्विंग दैट देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अवर क्लेफ्ट पैलेट इस सिचुएशन में क्या होगा सोचो वॉट इज द पैलेट डेफिनेशन को ध्यान दो द पैलेट इज द पार्टीशन बिटवीन कैविटी एंड द नेजल कैविटी तो ये पार्टीशन हट गया है सो कम्युनिकेशन बिटवीन यस सर देर इज द कम्युनिकेशन बिटवीन अवर वॉट यस यू कैन रिमेंबर देर इज अ वेरी गुड बेटा बिल्कुल अगर ये टूट गया है ल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा सो देर इज दिटवीन नेविटी तो अब क्या होगा आदमी खाना खाएगा नाक में चला जाएगा सांस ले रहा है तो बेटा वो मुंह में चला जाएगा सांस अगर मुंह में आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है जब खाना मुंह से नाक में चला जाएगा तो रेस्पायरेटेड ट्रैक्ट में जा सकता है सो वॉट इज द प्रॉब्लम फूड पार्टिकल रीचेस इंटू नोस एंड रेस्पायरेटरी पाथवे और ऐसे कंडीशन में अगर खाने का जो पार्टिकल है वो हमारे रेस्पायरेटरी पाथवे में चला गया लंग में चला गया तो ये क्या करेगा यस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग और बेटा अगर मान लो पार्टिकल फंस गया तो चोकिंग हो जाएगी सांस नहीं ले पाएगा आदमी और इस कारण डेथ हो सकती है चोकिंग एंड डेथ और इसके अलावा कैन यू सी ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है बेटा वी विल ऑब्जर्व देयर सो यू विल ऑब्जर्व द मेनी सिचुएशंस ओके वेरी डेंजरस काइंड सिचुएशंस। एंड रिमेंबर इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरी विच इज परफॉर्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत कॉमन सिचुएशन है सो कैन यू सी क्लिनिकल पॉइंट क्लिनिकल इंटीग्रेशन सी बेटा यस yes. ये लिप है बेटा दोनों साइड के लिप नहीं मिले इसलिए इसको हम क्लेफ्ट लिप कहेंगे और आप यहां पर देख रहे हैं यस ओरल कैविटी ये टंग है ओरल कैविटी और नाक के साथ जुड़ा हुआ है आप इसे और अच्छे से देख सकते हैं कैन यू सी द नेजल कैविटी कैन यू सी द ओरल कैविटी यू कैन ऑब्जर्व अब आपकी एनाटमी स्ट्रॉग है आप बोल सकते हैं दीज आर अवर हॉरिजोंटल प्लेट ऑफ द मैग्जिला फ्यूज नहीं हुआ तो ये आपका नाक दिख रहा है दिस इज दवर मीडियम सेप्ट ऑफ द नोज कैन यू ऑब्जर्व यस और आप देख रहे हो यहां पर बेटा ये देखो ये नोजल नेजल वॉल आपको दिख रहा है गेटिंग द पॉइंट तो एनाटमी इंटरेस्टिंग है और कंपिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन यस आई टू टेल यू नेशनल मेडिकल कमीशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन इसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके साथ ये आप देखेंगे ई में भी और ये आप देखेंगे सर्जरी में भी नाउ यू कैन ऑब्जर्व आपको बीच का पार्टीशन दिख रहा है बेटा ओके नेजल सेप्टा और ये बहुत इंटरेस्टिंग आप पेशेंट देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा और यहां तक पहुंचने के लिए आपको एनाटमी नाम के बहुत बोरिंग सब्जेक्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा सर्जरी एन टी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स दे आर टू मच इंटरेस्टिंग इन उसके रास्ते को पहुंचने के लिए एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री से होकर के हमें गुजरना पड़ता है सो जस्ट वी नीड टू कीप द पेशेंस इसका क्या नाम होगा बेटा ये मैग्जिला बोन की तरफ से आ रहा है सो वॉट यू कैन से दीज आर अवर हॉरिजोटल प्लेट्स ऑफ मैग्जिला यू कैन ऑब्जर्व हियर ऑल्सो आप यहां पर देख रहे हैं क्लेफ्ट लिप और ये बहुत कॉमन है क्लेफ्ट लिप और बेटा क्लेफ्ट पैलेट ये दोनों आपस में एसोसिएटेड होते हैं सो हियर इज अवर क्लेफ्ट पैलेट इसके लिए बेटा हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा सो दिस इज अबाउट द हार्ड पैलेट होप यू ऑल इन्जॉय द सेशन ओके इफ यू ऑल विल इन्जॉय इफ यू ऑल विल डिमांड वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट सॉफ्ट पैलेट ऑल्सो इन आवर अपकमिंग क्लासेस और तुरंत फिर हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी भी रखेंगे बेटा मजा क्या आया जो आप आंसर करते हो चाहे वो सही करो चाहे वो गलत करो रिकॉर्डेड वीडियोस में ये मज़ा नहीं है सो होप वी ऑल टुगेदर विल इन्जॉय दिस लाइव सेशन कंटिन्यूसली ओके सो काइंडली ट्राई टू मेक योर बैच कम से कम बेटा पचास बच्चे हो पूरे इंडिया से हमें सिर्फ पचास बच्चे चाहिए और हमें बहुत अच्छे से मजे लेते हुए आराम से पढ़ाई करनी है वी विल इन्जॉय द एनाटमी एंड दिस ई नोट्स विल बी एवेलेबल ओके सो थैंक यू वेरी मच नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ लाइव डाउट डिस्कशन आप बेटा अनम्यूट भी कर सकते हो और उसके साथ में आप जो क्वेश्चन है जो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो और कोई भी अगर मान लो क्लास के बारे में आपको आ, पूछना है तो बेटा आ, आपके सीनियर सर हैं ऋषभ उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेटा उनसे आप बात कर सकते हो काइंडली कीप मी अवे फ्रॉम दिस ऑल द थिंग्स ओके और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बेटा पढ़ाई लिखाई के लिए आप डायरेक्टली मुझसे बात करो इसके अलावा हमारे कई सारे वीडियोस हैं जो रिकॉर्डेड वीडियोस के सेशन में पड़े हुए हैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप अप्रोच कर सकते हैं फाइन लेकिन लाइव क्लास में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता रिकॉर्डेड के भी अपने बेनिफिट हैं यू कैन यू कैन ऑप्ट दैट ऑल्सो ओके एंड यस अभी बेटा डॉक्टर्स डे चल रहा है तो उसमें बहुत बढ़िया आपके लिए ऑफ़र निकला हुआ है ये थर्टीन थाउजेंड रुपीज का कोर्स है जो बच्चों को सर्व करने के लिए हम सिक्स थाउजेंड में देते हैं और इसका थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ आप सभी को लिए अवेलेबल है सो दिस इज द अवर बेस्ट ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू ओके सो यू कैन ज्वाइन दैट पार्ट ऑल्सो और भी कोई भी क्वेरी हो लाइव क्लास के लिए स्पेशली सो काइंडली रेफर टू द अवर यस वेरी वेरी फेवरेट स्टूडेंट ऑल्सो ऋषभ ओके बेटा सो so, आई एम पेस्टिंग द लिंक फॉर ऑल ऑफ यू और कोई भी डाउट हो बेटा आप अनम्यूट करो और आप पूछ सकते हो ठीक है यस दिस इज द लिंक फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्स ओके तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो क्वेरी कर सकते हो आई का लिंक अलग है कोई भी डाउट बेटा आज की क्लास से लिए प्लीज आस्क पैलेट बेटा क्लेफ्ट पैलेट जो है ये एक्चुअली हाँ ये देखो सी ईयर ये

ट ऑफ मैगजिला ठीक है वेलकम बेटा वेलकम और कोई डाउट किसी को भी कोई भी डाउट सीली डाउट हो तो भी बेटा बिल्कुल पूछना है नहीं करना. हो कुछ डाउट मैंने बता सकूं ओके अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन बेटा अब यह चेंज हो चुका है दिस वे लर्निंग टीचर अब टीचर नहीं रहा स्टूडेंट अब स्टूडेंट नहीं रहा टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है और वो एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाते हैं दिस इज आल्सो रिटन इन योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन इट इज द पार्ट ऑफ अवर नेशनल मेडिकल कमीशन क्वेश्चन पूछो बेटा सिली क्वेश्चन पूछो यस हाँ देखो बेटा इसमें मैंडिबल का तो कोई रोल ही नहीं है ये देखो ये ऊपर है मैंडिबल तो नीचे होता है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये देखो यस 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 कोई भी क्वेश्चन हो बेटा डाउट नहीं रखना है ना और याद रखना कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता ओके तो जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल पूछना ठीक है एक सीधी सी बात है न्यूटन ने देखा क्या कि एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा था बेटा बड़ी ही सीधी सी चीज है अरे भाई एप्पल ऊपर से तो नीचे ही गिरेगा लेकिन उसने सोचा और ऐसा सोचा ऐसा सोचा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का उसने नियम दिया जिसके कारण फिर पूरी दुनिया आगे बढ़ी हम चांद तक पहुंच पाए सिर्फ और सिर्फ उस ग्रेविटेशन की चीजों के कारण इसलिए बेटा कोई भी क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं हो तो सीली क्वेश्चन है बिल्कुल पूछो ओके ये देखो बेटा पैलेट बेटा पैलेट, पैलेट कहां पर है देखो यहां पर ध्यान दो सर पैलेट तो यहां पर है दिस वन इज द पैलेट पैलेट नीचे नहीं है बेटा नीचे कौन सा बोन है जॉ बोन ये देखो ये जॉ बोन है बेटा दिस इज द मैंडिबल ओके okay? जबकि सर पैलेट तो ऊपर है तो एक काम करते हैं पैलेट ऊपर है तो इसलिए मैंडिबल को हटा देते हैं ओके सर तो बेटा ये आपका पैलेट है यस सर दिस इज द पैलेट और बेटा अगर मान लो ये पैलेट है तो इस सिचुएशन में मैंडिबल का तो कोई रोल ही नहीं है दिस इज द मैग्जिला बोन और इस बोन को बेटा हम पैलेटाइन बोन कहते हैं क्या कहते हैं इसको पैलेटाइन बोन हमारा जो पैलेट है दो बोन से बना हुआ है मैग्जिला और पैलेटाइन बोन और अच्छे से अगर इसको याद रखना है तो आप क्या कहेंगे यस दिस इज अवर पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैग्जिला यस शायद मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द मैगजिला कह दिया उसको इंप्रूव करते हैं दिस इज आवर मैग्जिला बोन जो पैलेट बना रहा है इसलिए बेटर नेम क्या बेटा इसका पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैग्जिला लेकिन है तो मैग्जिला और बेटा इसको हम क्या बोलेंगे यस yes. ये हमारा पैलेटाइन बोन है जो हॉरिजोंटली ग्रो कर रहा है इसलिए क्या बोलेंगे हॉरिजोटल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन सिंपल दो ही बोन बनाते हैं और कोई बोन नहीं है ठीक है और कोई डाउट बेटा हाँ बेटा नहीं बेटा देखो क्लेफ्ट लिप अलग चीज है क्लेफ्ट पैलेट अलग चीज है इसके लिए ना हमको डेवलपमेंट ऑफ द फेस चलना पड़ेगा ठीक है है ना लेकिन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होते हैं मैंने पहले क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की क्लास ली हुई है आई एम ट्राइंग टू सर्च दैट यस yes. ये पुरानी पीजी लोगों की जो क्लास थी उसमें हमने ना एक डेवलपमेंट ऑफ द फेस वगैरह देखा हुआ था तो फेस का डेवलपमेंट मैंने बताया था फिर पैलेट का डेवलपमेंट ये मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रंटो नेजल प्रोसेस होता है प्री मैग्जिला होता है मैग्जिल पार्ट बनते हैं वो एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं और फिर फ्यूज़ होते हैं और प्रॉपर पैलेट बनाते हैं ठीक है तो ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में डिस्क्राइब करूँगा ठीक है अब अगर मान लो ये फ्यूज ना हो तो आप देख रहे हैं प्री मैग्जिला होता है और आप देखते हैं पैलेटाइन प्रोसेस होता है ये अगर फ्यूज़ ना हो पाए तो गैप बनता है तो कभी यूनिटर गैप बनता है तो यूनि क्लेफ्ट पैलेट कभी दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनता है सिर्फ पीछे रहता है तो आप इसको मिड लाइन क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे और कभी छोटा सा रहता है सिर्फ युवला में तो मिडलाइन क्लेफ्टिंग पैलेट होगी तो इसके लिए हमको ना डेवलपमेंट ऑफ द फेस पढ़ना पड़ेगा तो डेवलपमेंट ऑफ द फेस जब हम लर्न करेंगे ओके okay, तो उसमें हम देखेंगे कि फ्रंटोनोजल प्रोसेस आता है और यहां पर से मैंडिबुलर प्रोसेस आते हैं यहां से मैग्जिलरी प्रोसेस आते हैं तो पांच मेन चीजें होती है जो मिल करके फेस का फॉर्मेशन करती है तो जब इन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो तब ये आपका ऊपर का मैग्जिलर का प्रोसेस अगर नहीं जुड़ पाता तो क्लैफ्ट लिप बन जाता है यहां पर बोन का कोई रोल नहीं है क्लैफ्ट पैलेट कब होगा अभी जो मैंने आपको दो प्रोसेस बताया उनका फ्यूजन नहीं होगा तो लेकिन क्लेफ्ट लिप और क्लैफ्ट पैलेट बहुत कॉमनली एक दूसरे के साथ देखे जाए जाते हैं बट बोथ आर सेपरेट थिंग्स ओके बेटा आगे देखेंगे अभी तो अभी तो हम शुरू किए और आज की ना एक तरीके से हमारी पहली क्लास थी तो मैंने काफ़ी आराम से पढ़ाया ताकि हमारी ट्यूनिंग जम सके बेटा याद रखना हर स्टूडेंट बेस्ट होता है हर टीचर बेस्ट होता है ऐसा नहीं कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं ये सर बुरा पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है बेटा हर टीचर अच्छा पढ़ाता है और हर स्टूडेंट बेस्ट होता है आपको कोई टीचर अच्छा लगता है हमको कोई स्टूडेंट अच्छा लगता है क्यों क्योंकि रिजोनेंस ट्यूनिंग हमको अंडरस्टैंडिंग जमानी पड़ती है और अंडरस्टैंडिंग जमाने के लिए हम धीरे 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 आगे शुरू किए हैं और जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी स्पीड अप होती चली जाएगी और फिर एक दिन आपको ऐसा लगे अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है बेटा सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं मैं बोलूँगा अरे मेरे स्टूडेंट सबसे बेस्ट है ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट बेस्ट होता है बस हमको क्या समझना है हम लोगों की ट्यूनिंग जम गई हम लोगों की भाषा जम गई इसलिए ऐसा लगता है ठीक है तो इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ना चालू किए हैं कल हम और क्लास लेने की कोशिश करेंगे सॉफ्ट पैलेट को आराम से पढ़ेंगे फिर एमर्रोलॉजी को देखेंगे और धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे और आप भी हम मेरी स्पीड के साथ चलना चालू कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड बढ़ गई टीचर यहाँ होता है स्टूडेंट यहाँ होता है धीरे धीरे टीचर जो है वो ऊपर बढ़ता है स्टूडेंट को अपने साथ बढ़ाता है और ऊपर बढ़ता है और स्टूडेंट को ऊपर उठाता है और ऊपर बढ़ता है और स्टूडेंट को, को, को एक टाइम आता है कि टीचर अपना इतना नॉलेज देता है कि स्टूडेंट को अपने बराबर ले आता है और उसके बाद टीचर का रोल खत्म अब स्टूडेंट जो है और नॉलेज गेन करता है और धीरे 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 टीचर से भी ऊपर बढ़ता चला जाता है ओके और यही एक टीचर का काम है कि आप अभी नीचे लेवल पे हो टीचर ऊपर है मैं आपको खींचूंगा बेटा धीरे से धीरे से धीरे से अपने लेवल पर लाऊंगा और फिर उसके बाद कोशिश करूंगा कि अपने से ऊपर ले जाऊं और एक टाइम आएगा कि आप लोग ही न्यूरो सर्जन बनोगे आप लोग ही कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनोगे और एक दिन मैं आपके पास आऊंगा और पूछूंगा क्या हाल है ठीक है और वो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होता है ओके आराम से धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कल और क्लास लेने की बेटा आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक हम लाइव क्लास का ग्रुप बनाएं ताकि ये मजेदार पढ़ाई हम कंटिन्यू कर सकें और कोई डाउट बेटा पूछो बेटा ये प्रोजेंसैफली ये सारी चीजें ना डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन वाली चीज हो जाती है है ना तो वो एक अलग ही चीज है आपने एन सुना है क्या एन 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 एबसेंस ठीक है है ना तो उसमें क्रेनियल कैविटी टोटल एबसेंट रहती तो इसके लिए ना मेरे को आपको पूरा डेवलपमेंट ऑफ़ द नर्वस सिस्टम बताना पड़ेगा है ना अब उसके लिए अलग ही टाइम लगता है बेटा है ना देखो हाँ मिलेगा ना बेटा फेस के नाम ली एन जो होता है उसमें फेशियल एबनॉर्मलिटी होती है अब जैसे कि कई सारी एबनॉर्मलिटी है मैंने पिछली जो क्लासेस ली हुई है ना उसमें बड़ी मज़ेदार एबनॉर्मलिटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी है ना अब उसके उसके लिए ना बेटा हमको अलग ही क्लास करना पड़ेगा अभी मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है उसके लिए हमको डेवलपमेंट ऑफ द फेस ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी फाइन तो हम करेंगे उसको है ना डोंट वरी फॉर दैट एन एन सेफली अवर प्रोजेन सेफली होलो प्रोजेन सेफली दिस ऑल द पॉइंट्स वी विल लुक ओके और कोई डाउट बेटा और कोई डाउट वी विल डू ओके डोंट वरी फॉर दैट अभी आज हाँ यस बेटा मैग्जिल आर्ट्री अगेन सेपरेट क्लास देर आर द डिफरेंट ब्रांचेस आज की क्लास के साथ जो रिलेटेड है बेटा उसको है ना वो पूरी एक हम क्लास करेंगे उसके तीन पार्ट होते हैं आज आज भी मैंने शॉर्ट में बताया है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट ओके फर्स्ट पार्ट की बेटा ब्रांचेस होती है यू विल सी दैट इज गिविंग टू द अवर ईयर पार्ट एंट्री टिम्पेनिक आर्टरी डी पॉरिकुलर आर्टरी यू विल सी इन्फेलर आर्ट्री मिडिल मैनेंजल आर्ट्री एस 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 मैनेजर आटरी दे आर दाइव ब्रांचेज फिर उसके बाद आप सेकंड पार्ट में देखेंगे सेकंड पार्ट दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन सो वॉट आर द मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन मैसेटर तो मैसेट्रिक आर्टरी उसकी ब्रांच है यस टेम्पोर इज द टेम्पोल इज द मसल सो टू डीप टेम्पोरल आर्टरीज यू विल सी ओके इज द बक्कल रीजन इज देयर सो बक्कल आर्टरी इज देयर ओके और लास्ट में थर्ड पार्ट की जो ब्रांचेस है yes, येस आपका टेरिग्वाइड मसल बच गया तो टेरिग्वाइड आर्टरीज आर देयर और लास्ट में थर्ड पार्ट तो उसका आर्टरी का ट्रिक होता है बेटा पिग पास पी आई जी पी ए एस जो मैंने अभी क्लास में बताया अलग से क्लास करेंगे डोंट वरी आराम से है ना ओके बेटा वेलकम वेलकम स्टे कनेक्टेड और अपने दोस्तों को बताते जाओ ताकि सब कम से कम ज्वाइन करते जाए अच्छा लगेगा तो बेटा ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं है बहुत सारी फ्री क्लासेस आपके लिए ऐप आप में पड़ी रहती है यूट्यूब में पड़ी रहती है यू कैन गो विद दैट लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि एक अच्छा सा हेल्दी डिस्कशन का ग्रुप बने और हम मजे के साथ इसको डेली रोज कंटिन्यू कर सकें यस बेटा और कोई डाउट ये ये बेटा मैं आपको ना टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ ठीक है आई एम शेयरिंग एट द टेलीग्राम स्टे कनेक्टेड विद द टेलीग्राम यू कैन गेट देयर ओके मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ ओके सो ऑल्सो नाउ आई एम हैविंग द अनदर सेशन्स सो कैन वी एंड द सेशन एंड यस वी विल ट्राई फॉर द आवर नेक्स्ट सेशन अच्छा आई आई वॉन्ट टू यस येस यस थैंक यू थैंक यू ऋषभ थैंक यू फॉर हेल्पिंग फॉर द क्लास और मैं आपको लाइव क्लास का भी बेटा फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ लास्ट ईयर जो हेड नेक फेस की क्लास हुई थी लाइव क्लास वन मंथ की थी बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में हमने पढ़ा था यू ऑल कैन जॉइन ओके उसका फ़ीस जो था लास्ट ईयर थ्री थाउजेंड रुपीज़ था शुरू के जो हमारे ट्वेंटी स्टूडेंट्स इन करेंगे उनके लिए सीधे सीधे फ्लैट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट रहेंगे ओनली एट द कॉस्ट ऑफ़ द वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ यू कैन ज्वाइन ओके तो आप ऋषभ सर से बात कर सकते हैं आप मेरा नंबर भी है मैडम का नंबर भी है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो शुरू के ट्वेंटी स्टूडेंट के लिए टोटली ये फिफ्टी परसेंट फ्लैट ऑफ रहेगा और याद रखेंगे एनाटमी न्यूरो एनाटमी और हेड नेक फेस सबसे डिफिकल्ट होता है सो यू कैन रजिस्टर और इसे हम धीरे धीरे एक महीने में पूरे डिटेल में हेड नेक फेस को कं कंप्लीट करेंगे ओके एंड हियर this e notes i am sharing to the telegram group okay yes this is our telegram channel yahan se beta aap ise le sakte it is going there okay and I am, i am also sharing the link for the telegram channel वहाँ से आप इस e-notes को download भी कर सकते हैं ठीक है थीके? बेटा हाँ ये पूरा हेडनेक हम ना एक महीने में कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से आपके पूरे यूजी पीजी वाईवा सारे क्वेश्चंस के साथ है ना ओके बेटा एंड हियर आई एम पेस्टिंग द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल यस यहां से बेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं मैंने टेलीग्राम चैनल को शेयर कर दिया आप वहां से पैलेट के इसको डाउनलोड कर सकते हैं ओके आई एम शोइंग द टेलीग्राम चैनल ओके दिस इज द चैनल और बेटा आप यहां पर देख रहे हैं ये पैलेट का नोट्स आपके पास आ चुका है दिस इज द पैलेट अभी की क्लास का है फाइन और यहाँ पर आपको जो भी फ्री क्लास रहेगी बेटा उसका लिंक आपको मिलता रहेगा अभी जो क्लास हुई उसका जूम क्लास का लिंक यहाँ पर है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेडिसिन सर्जरी सबके आपके क्वेश्चन मिलेंगे फ्री डेमो जो भी होती है उसका लिंक आपको मिलेगा ई e नोट्स मिलेंगे ऐप में क्या क्या यस आर्टरी सप्लाई ऑफ द हार्ट इसका वीडियो गया हुआ है बेटा ठीक है तो आप ये सारे वीडियो वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं है ना आरटी सप्लाई ऑफ द हार्ट दर्ट की थ्री आर्ट ये सारे लिंक आपके सो दिस इज वेरी यूजफुल चैनल फॉर ऑल ऑफ यू आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी लिंक आएगा फर्स्ट एन आटियो बायोपेथो फार्मा मेडिसिन सर्जरी रेडियो हर चीज के लिंक आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे और हमारे साथ सिर्फ फर्स्ट ईयर का नहीं है पूरे पांच साल एमबीबीएस का रहेगा ओके यस और कोई डाउट बेटा किसी को यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क हां फ्री क्लासेस बेटा बहुत सारी है आपको यूट्यूब में भी मिलेगा ऐप में आप जाइए उसमें कई सारे अनलॉक वीडियो आप उसको देखिए हम किसी भी स्टूडेंट को कोर्स परचेस करने के लिए फोर्स नहीं करते अच्छा लगे तो बिल्कुल करो क्योंकि इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और नहीं लगे तो भी बेटा आप प्लेटफॉर्म में कई सारे फ्री वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आप अपने दोस्तों को भी बताइए उनको भी बेनिफिट मिलेगा ओके आप ग्रुप बनाइए ग्रुप में आपको और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा आपके पूरे कॉलेज का ग्रुप बनेगा जिसमें अक्सर फ्री डेमो लिंक सिर्फ आपके कॉलेज के लिए आपके बैच के लिए आपके दोस्तों के लिए होगा ओके ओके बेटा गॉड ब्लेस यू यस एनी मोर डाउट फाइन सो थैंक यू वेरी मच एंडिंग द सेशन गॉड ब्लेस यू ऑल बहुत अच्छा लगा होप आप कल भी आएंगे कल भी मिलेंगे थैंक यू ओके बेटा गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी एंडिंग द सेशन